नमस्कार दोस्तों, 5 करोड़ की सरकारी जमीन के लिए जमकर हुआ बवाल। अजमेर के रूपनगढ़ में भूमापिया के बताया जा रहा कि फायरिंग की घटना व एक मजदूर की सूचना। अजमेर के रूपनगढ़ में 22 सितंबर रविवार को हुआ इस झगड़े में 5 करोड़ की सरकारी जमीन पर दुकान बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। मामला इतना गर्मा गया कि फायर जैसा मामला सामने आ गया। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जमीन पर पहले से कुछ लोगों ने अपना कब्जा बताते हुए 12 दुकान बनाने के लिए पंचायत समिति से परमिशन ले ली, पैसे भी जमा कराए गए। जैसे निर्माण शुरू हुआ तो यहाँ पर दूसरा पक्ष अपना हक जताते हुए जमकर बवाल करने लगा। इस बीच मामला बिगड़ गया। किशनगढ़ के पूर्व विधायक नाथुराम सिनोदिया के बेटे भंवर सिनोदिया के मामले में रहे बलवार सिंह चौधरी के भांजे का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने बताया कि इस घटना को अंजाम दिया। पड़ताल में पता चला कि ये हड़कंप वहां से रूपनगढ़ पुलिस स्टेशन मात्र 250 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद दोनों पक्ष तकरीबन 20 मिनट तक हंगामा करते रहे। फायरिंग हुआ, पुलिस ने फिलहाल मोर्चा संभाल लिया है। एक मजदूर की सूचना मिल रही है, बाकी यहां पर अन्य के हालात ठीक नहीं है। पुलिस मौके पर तैनात है, कार्रवाई की जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक यहां पर एक युवक शकील लांगा का सूचना मिल रही है, जिससे कोई विवाद से लेना देना नहीं था, वो यहां पर उनकी मृत्यु होना सामना रहा है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। तमाम वीडियोज के लिए बन रही चैनल पर जय हिंद दोस्तों।